लेकर चलते हैं हरियाणा विधानसभा, जहां पहले दिन की कार्रवाई लगातार जारी है। दिवालिया पिटा है पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन का आपका जो सेक्रेटरी पकड़ा गया है, अंडर सेक्रेटरी जो पकड़ा गया है, जिस तरह से उसके पास करोड़ों रुपए जी हैं, ये चर्चा हमने उसके लिए अलग से टाइम रखा। कोई बात नहीं करेंगे, उस टाइम चर्चा कर लेना। इसमें उसमें इसमें दोनों मेंबर हैं वो, इसमें दो मेंबर जाएंगे एचपीएससी से, इसलिए ये बात यहाँ कहनी जरूरी बनती है कि अगर इस तरह के लोग उसमें जाकर के यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट में बैठ करके इंटरव्यू करके दखल करेंगे, तो फिर मान करके चलो कि हमारे यहाँ जो बच्चे उनके भविष्य पे सीधा सीधा क्वेश्चन चिन्ह लगता है। इसी तरह से उन्होंने कह दिया कि इसके साथ ये आपका हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो है, इसके लोग भी इसके मेंबर होंगे। इनके ऊपर तो पता नहीं कितने आरोप लगे, कितने पेपर लीक हुए हैं आपके राज में, 2 दर्जन से ज्यादा जो है पेपर लीक हो चुके हैं। अब तक आपने उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। अब तक उन लोगों ने किसने पेपर लीक कराए, कौन कौन लोग उसमें पकड़े गए, क्या कार्रवाई हुई, किन किन लोगों को पैसे लेकर के नौकरियां दी गई, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। आगे आने वाले समय में और ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। इससे इलायदा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, सदन में बतानी बहुत जरूरी है। आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 40,000 शिक्षा विभाग के जो ये आप विषय से भटक रहे हैं, आप विषय पर रहिए, सिर्फ केवल आप सप्लीमेंट्री पूछिए। इससे सप्लीमेंट्री नहीं, ये इसका सप्लीमेंट्री नहीं है वो पद हमारी, ये 40,000 पद खाली है या कौन से शिक्षक जो नहीं, आप इसके ऊपर सप्लीमेंट्री उनके पद भी खाली, इससे सब्जेक्ट से बाहर ना जाइए। सब्जेक्ट पे करो, 40,000 पद खाली, सब्जेक्ट से बाहर ना जाइए। अब तक आप और सप्लीमेंट्री, मैंने कहा ना कि यूनिवर्सिटी वाले और लेने शुरू कर दिए, इसके ऊपर डिबेट कोई नहीं। देखिए कॉलिंग अटेंशन मोशन के ऊपर डिबेट नहीं होगी, सिर्फ सप्लीमेंट्री। आप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्या पूछना। सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं ये बता दो। हाँ सप्लीमेंट्री होता है, कोई क्वेश्चन होता है कि भी इसका जो आपने जवाब दिया। मैं यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ पूछिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। मेरे से नहीं पूछ रहा, मंत्री जी से पूछवा। माध्यम तो आप ही है, और किसके माध्यम से पूछूं, सीधा थोड़ा ही पूछूंगा। हाँ नहीं मैं बताइए, अरे सीधा पूछूंगा तो आपको मेरी तरफ आ जाए। नहीं 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 नहीं, आपने जो भी क्वेश्चन पूछना मंत्री जी से, मेरे माध्यम सुन लो फिर। ये जो उच्च शिक्षा विभाग है जिसके माध्यम से यूनिवर्सिटीज के अंदर आज दखल अंदाजी हो रही है, इस विभाग के अंदर जो एक व्यक्ति को चेयरमैन की पोस्ट पे लगाया हुआ है, एडवाइजरी की ये फिर वही आप विषय तो आप विषय पे नहीं नहीं विषय ये विषय नहीं और क्या तो नहीं ये विषय नहीं है। गलत बात है, आप मुझे लगता है आप यूनिवर्सिटी गए नहीं फिर। नहीं नहीं मैं तो कह नहीं, आप ही जाके आए हैं। मुझे लगता है ये जो आए, ये जो राज्य शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग है, इसके अंदर एक आदमी को आपने एक चेयरमैन की नियुक्ति दे रखी है जिसका नाम बीके कुटियाला है, जो मध्य प्रदेश के अंदर एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर उच्च शिक्षा विभाग में ऐसे लोगों को चेयरमैन के पदों पर बैठा दोगे तो फिर आप कैसे ये मान लोगे कि ये लोगों के साथ न्याय करेंगे। ये जो व्यक्ति है कुटियाल, चलिए ये भोपाल में मध्य प्रदेश के अंदर माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय जो था आपका, हो गया उसका वाइस चांसलर था, हो गया नहीं, ये सुनने वाली बात है। जो वाइस चांसलर था वहाँ रहते हुए इसके ऊपर फंड्स के दुरुपयोग की FIR है, वहाँ रहते हुए इसके ऊपर लोगों की भर्ती में गड़बड़ी करने के नाम के ऊपर भी FIR दर्ज है। अगर ऐसे लोगों को पूछूंगा फिर किस तरह चीजें सही पाई जाएगी। डॉक्टर वीर कादियान थैंक यू, हो गया खत्म। हाँ आपने, आपका तो लंबा इतनी ये डिबेट, मैंने पहले कहा आपको उठने से पहले कहा कि इस विषय के ऊपर डिबेट नहीं होगी। कॉल अटेंशन का शायद आपको जानकारी नहीं है, आप कितनी बार, आप तो बहुत बार विधायक रहे हैं और कॉलिंग अटेंशन, हाँ बस ये किस्मत तो हम आप जैसे लोगों के कारण ही इस जो सदन की गरिमा है, इस सदन की गरिमा के ऊपर जो प्रहार हुआ है, जो सदन की गरिमा बिगड़ी है, वो आप जैसे लोगों के कारण है। आप जैसे लोग जो नियम कानून को सुनते नहीं, नियम कानून का पालन नहीं करते, ये धक्केशाही हर जगह नहीं चलेगी, ये धक्केशाही हर जगह नहीं चलेगी। आपके घर में चल सकती है, आपके घर में धक्केशाही चलती है, यहाँ धक्केशाही नहीं चलेगी। आपके नहीं, धक्केशाही बिल्कुल नहीं चलेगी, नियम कानून के मुताबिक काम होगा। हाँ जी।